जॉनसन बेबी पाउडर इन दिनों संदेह के घेरे में है। जी हाँ, बेबी पाउडर में कैंसरकारक तत्व एस्बेस्टॉस मिलने की जांच के सिलसिले में ड्रग नियामक सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक जांच शुरू की है, जिसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित प्लांट से बेबी पाउडर के सैंपल लिए हैं। कंपनी का यह कहना है कि इस मामले में वह जांच में पूरा सहयोग दे रही है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का यह कहना है कि कंपनी के खिलाफ देश भर में 12 से 15 ठिकानों पर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार औषधि नियंत्रक विभाग ने 100 ड्रग इंस्पेक्टर की टीम को जॉनसन बेबी पाउडर की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है और इसमें मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से सैंपल लिए जाएंगे और उनकी जांच की जाएगी। उल्लेखनीय है कि अमेरिका की इस कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर की पूरे विश्व में बेहद मांग होती है और भारत में भी इसकी बड़े मात्रा में सप्लाई है। बच्चों को यह पाउडर लगाया जाता है, लेकिन अब इसमें कैंसरकारक तत्व मिलने की संभावना के कारण कंपनी की बिक्री पर असर पड़ना स्वाभाविक है।